हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है वो है अलाइन लेफ्ट। अगर हम ये टेक्स्ट, जैसे ये हेडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम है, रो नंबर है, यहाँ पे आगे सब्जेक्ट है, इसके बाद टोटल है, तो इसको अगर हमने लेफ्ट साइड में करना है, इस साइड करना है, तो हम ये काम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, अलाइन लेफ्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये जितना भी है ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको, जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी कमांड को करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर यही लेफ्ट अलाइन किया हुआ है, इसको अगर सेंटर में करना है, तो हम यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास जितना भी टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया था वो सेंटर में यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद इसको अगर राइट साइड करना है, तो फिर से हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अलाइन राइट, राइट यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये जितना भी टेक्स्ट है ये राइट साइड हो जाएगा। ये देखो, जितना भी टेक्स्ट है ये राइट साइड यहाँ पे हो गया है। इसके बाद आगे है टॉप अलाइन, मिडल अलाइन और बॉटम अलाइन। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रो को बढ़ाएंगे। ये रो की हाइट यहाँ पे बढ़ाई। बढ़ाने के बाद अब हम इसको, ये जो लिखा हुआ है ये बॉटम में है, अगर हम इसको टॉप में ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सारी हेडिंग ये इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे टॉप अलाइन। टॉप अलाइन क्लिक करते ही ये जितना भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है ये सारा टॉप में चला जाएगा। ये देखो टॉप अलाइन, तो ये जितना भी सेलेक्ट किया था ये सारा का सारा यहाँ पे टॉप में चला जाएगा। इसके बाद अगला है हमारे पास मिडल का, मिडल अलाइन। तो मिडल अलाइन को करने के लिए हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मिडल अलाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये जितना भी हमने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो है ये मिडल में आ जाएगा। इसी तरह ये सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको बॉटम में करना है, नीचे करना है, तो हम अगले ऑप्शन को लेंगे यहाँ पे बॉटम अलाइन। बॉटम अलाइन करने पे ये जो जितना भी लिखा हुआ है ये बॉटम में आ जाएगा। ये तो इस तरह से हम टेक्स्ट को टॉप अलाइन, मिडल अलाइन या बॉटम अलाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है, अगर हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, जो भी टेक्स्ट है इसको रोटेट करना चाहते हैं, तो हम ओरिएंटेशन में जाके इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हेडिंग वाला जितना भी टेक्स्ट है इसको हमने रोटेट करना है, तो इसको थोड़ा सा और हम रो को बढ़ाएंगे। ये बढ़ाई, इसको हमने रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे ओरिएंटेशन पे जाएंगे। ओरिएंटेशन पे जाने के बाद सबसे पहला जो है वो है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज। अगर सारा हमने ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, तो हम इसको इसको सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन सा हमने ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज किसको करना है, तो ये हमने हेडिंग को करना है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन यहाँ पे गए, इसके बाद एंगल काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखो, ये जितना भी है ये एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ये रोटेट हो जाएगा। इसके बाद अगर सेकंड ऑप्शन देखना चाहते हैं, तो हम फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओरिएंटेशन यहाँ पे जाएंगे। अब क्या करना है, एंगल क्लॉकवाइज, अगर इसको हमने रोटेट करना है एंगल क्लॉकवाइज, तो हम सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देखो, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये जो है क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो इसके बाद अगला है हमारे पास, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन वर्टिकल टेक्स्ट करना है, तो ये वर्टिकल भी हो जाएगा। इसके बाद अगला टेक्स्ट है रोटेट टेक्स्ट अप। अप से इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ये देखो, रोटेट टेक्स्ट अप
इसको और बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा, ये देखो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये रोटेट टेक्स्ट अप, ये हो गया। इसके बाद है रोटेट टेक्स्ट डाउन, ऐसे करेंगे तो ये रोटेट टेक्स्ट डाउन से ये रोटेट हो जाएगा, ये देखो रोटेट होके यहाँ पे आ गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। अगर हमने अपने हिसाब से इसको रोटेट करना है, जैसे यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये तो हमारे पास ऑप्शन थे कि एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। अगर हम इसको अपने हिसाब से कितने डिग्री पे इसको रोटेट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये जो ओरिएंटेशन है यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये रोटेशन यहाँ पे दिया गया है कि कितने डिग्री हमने इसको रोटेट करना है। यहाँ पे डिग्री को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखो यहाँ पे बढ़ रही है, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया है, ये यहाँ से बढ़ रहा है। अगर कम करना है यहाँ से कम भी कर सकते हैं, या यहाँ से हम इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ये देखो ऐसे खींच के इसको ऊपर ले जाएंगे। जैसे जैसे हम इसको आगे पीछे ले जा रहे हैं, यहाँ से डिग्री ये कम या ज़्यादा यहाँ से हो रही है। तो जिस भी एंगल पे हमने इसको रखना है, सपोज करो ये हमने यहाँ पे 25 डिग्री यहाँ पे रखना है, इस एंगल पे ये रोटेट हो, ये जितना भी हमने यहाँ पे टैग लिखा हुआ है, ये कितना यहाँ पे सेट किया हमने, 25 यहाँ पे रखा। और इसके बाद ओके पे क्लिक किया, तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये किस एंगल पे रोटेट हुआ है, 25। तो इस तरह से हम इसको अपने हिसाब से भी रोटेट कर सकते हैं कि कितने इसको डिग्री रोटेट करना है, उस हिसाब से हम सेटिंग करेंगे यहाँ पे जाके, और ये सेटिंग यहाँ पे हो जाएगी। अगर हम इसको फिर सिंपल 0 पे रखना चाहते हैं, तो हम फिर इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन पे जाएंगे और फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो 0 हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से, या यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद जब हम ओके करेंगे तो ये 0 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ये जो है नॉर्मल में आ जाएगा, ये देखो ओके पे क्लिक किया तो ये 0 डिग्री एंगल रोटेट हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। इसके बाद हम रो की हाइट को यहाँ से कम करेंगे, ये रो की हाइट को कम किया। कम करने के बाद अगला है हमारे पास इंक्रीज एडेंट और डिक्रीज एडेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जितना भी है ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, टोटल लिखने के बाद अगर हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे सिग्नेचर, यहाँ पे हमने सिग्नेचर लिखा, लिखने के बाद अगर हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं तो हम इंक्रीज एडेंट का यूज़ करेंगे। अगर इसी सिग्नेचर को हम पीछे ले आना चाहते हैं तो हम डिक्रीज एडेंट का यूज़ करेंगे। तो इसको करने के लिए जैसे यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीज एडेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखो इंक्रीज एडेंट पे क्लिक किया, ये यहाँ पे आगे जा रहा है, ये देखो कहाँ पे इसको छोड़ना है, ये सपोज करो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया। अगर हम इसको वापस यहाँ पे ले आना चाहते हैं पीछे, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज एडेंट पे क्लिक करेंगे, ये देखो सेकंड है डिक्रीज एडेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज एडेंट पे क्लिक करने के बाद ये जो है ये पीछे आ जाएगा, ये देखो पीछे आ जाएगा, आगे ले जाना है इंक्रीज एडेंट, पीछे ले आना है डिक्रीज एडेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंक्रीज एडेंट और डिक्रीज एडेंट से टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं या टेक्स्ट को पीछे ले आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में, ओरिएंटेशन के बारे में, डिक्रीज एंड इंक्रीज एडेंट के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।